जी सर, डन, स्टार्ट कर दिया। ओके। आज के इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग विषय से परिचित ही हैं, अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू लॉ ऑफ कर्मा एंड देयर न्यूट्रलाइजेशन थ्रू एंटीना इंजीनियरिंग, हिंदी में इसे कहेंगे क्वांटम फिजिक्स का कर्म सिद्धांत से अंतर संबंध और एंटीना इंजीनियरिंग से कर्म निराकरण। मैंने कर्म शब्द ही रखा है, हालांकि यहाँ कर्माशय होना चाहिए था, क्योंकि जब आपके कर्म जो है उनका संग्रह हो जाता है तो उसे हम कर्माशय कहते हैं, लेकिन समझ के लिए सिर्फ कर्म शब्द ही रखा है। तो एंटीना इंजीनियरिंग पर हम लोगों ने एक पहले भी वेबिनार किया था और उसमें हमने प्रयास किया था समझने का कि किस तरह से जो एंटीना एनर्जीज हैं वो हेल्पफुल होती हैं आपके जितने भी बॉडी की एनर्जीज हैं और आपके आसपास के वातावरण में रहने वाली एनर्जीज हैं, डिफरेंट एनर्जीज, उनको इक्वलाइज करने में, उनको सिंक्रोनाइज करने में और उनका मैक्सिमम वेलबींग के लिए यूटिलाइज करने में कैसे वो हेल्पफुल हैं। आज उसी की एक फर्दर एक्सटेंशन है जिसमें दो शब्दों को हमने और जोड़ दिया है। वो शब्द है कोई क्वांटम फिजिक्स और कर्म सिद्धांत। हालांकि जो सुनने वाले हैं, जो भी साइंस के लोग होंगे, वो यही कहेंगे कि क्वांटम फिजिक्स केवल जो है वो फिजिक्स का सिद्धांत है और जो कर्म है वो रिलीजियस और फिलोसफिकल इशू है। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी और आपको ये लगेगा कि विज्ञान और फिलोसफी या आपका जो धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, रिलीजन के नहीं मैं बात कर रहा, उसको उसके साथ कंफ्यूज ना करें तो हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो ये जो फिलॉसफी, लैंग्वेज और जो विज्ञान साइंस है, इनके जब आपस के संबंधों को आप देखने लगते हैं तो आपको अंडर करंट्स, अंडर लाइन्स जो हैं वो आपको आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। केवल टर्मिनोलॉजी का फर्क पड़ जाता है, देखने का तरीके का फर्क पड़ जाता है और प्रस्तुति अभिव्यक्ति का फर्क पड़ जाता है। तो सीधे विषय की ओर हम अग्रसर होते हैं, क्योंकि ये जो आज का वेबिनार है ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत फिजिक्स केमिस्ट्री जुआलॉजी बायोलॉजी और बाकी सब कॉलेजेस के साथ, जिसमें से विशेष रूप से डीएवी कॉलेज ननिवाला और एमपीएन कॉलेज मुलाना विशेष रूप से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनके कन्वीनर डॉक्टर अक्षय जी और डॉक्टर सी के झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी ओर से हम ये आज का जो आयोजन करने जा रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे तीन चीजें नीचे दिखाई दे रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे देखें तो आप देखेंगे एवं मया श्रुतम, यानी कि ऐसा मैंने सुना। हम सभी की ये स्थिति होती है, हमारा जो सारा का सारा ज्ञान होता है वो जो हमने सुना हुआ होता है, लेकिन उसमें एक एंगल जुड़ जाता है जिसे हम एवं से बताते हैं कि जो कुछ भी आप सुनते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल से सुनते हैं। और जब वाई एक्सिस पे देखते हैं एवं मया दृष्टम कि ऐसे आपने देखा, तो सुनना और देखने के बीच में जो है वो आप जानते हैं, जो कि आप बीच में देख पा रहे हैं एवं मया ज्ञातम, ये वाला जो पोर्शन है। एवं मया ज्ञातम का मतलब क्या है कि क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर एंगल से देखा, एक पर्टिकुलर एंगल से आपने सुना, तो आपका जो जानना होता है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से ही होता है। और यही बात जो है वो क्लासिकल फिजिक्स पे लागू होती है, यही आगे चल करके हेल्पफुल होती है जब हम क्वांटम फिजिक्स को समझना चाहते हैं, यही बात आगे चलकर कर्म थ्योरी को समझाती है और यही आगे चलकर डिफरेंट एनर्जीज के जो पर्सपेक्टिव हैं उनको स्पष्ट करती है। अब आप अपने स्क्रीन के बीच में जब आप देखते हैं, जब आप क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, मैक्स प्लैंक ने जब 1900 में भी बात की थी, तो उसका जो निचोड़ या सार है उसको आप देख लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विभिन्न विषयों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई साइंस की बैकग्राउंड से है, सोशल साइंस की बैकग्राउंड से है और संस्कृत की बैकग्राउंड से है, तो इसलिए थोड़ी सी बात समझना बहुत जरूरी है।
संस्कृत के लोग भी वही बात कर रहे हैं लेकिन अपनी भाषा शैली में, लेकिन विज्ञान की अपनी भाषा शैली है। तो आज का ये प्रयास रहेगा कि दोनों को हम कितना नजदीक ला सकते हैं और हमारी समझ कैसे दोनों के विषय में बढ़ती है और कैसे हमारे लिए ये भविष्य में आगे जो है वो सुख का कारण, वेलबींग का कारण हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स ने जो चमत्कार किया, जो उसमें एक रेवोल्यूशन लाया है, वो था कि एवरीथिंग वी कॉल रियल इज अ मोड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। आप इस वाक्य को अगर क्वांटम फिजिक्स के साथ का देखें तो आपको ये बात वेदांत के साथ बहुत गहरी जुड़ती हुई दिखाई देगी, आपको सांख्य के साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी, आपको काश्मीर शैविज्म के साथ दिखाई देगी। क्योंकि जैसा कि मैंने ये पहले कहा कि एवं जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते कैसे हैं, और यही क्वांटम जो है वो बताती है। दूसरी ओर जब कर्माशय को आप देखते हैं, कर्म सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, कि जो कुछ भी आप क्रिया करते हैं वो धीरे धीरे करते हुए लौट करके आपके पास आती है, लेकिन कर्म के अपना जो एनर्जी का तरीका है, व्यवहार का तरीका है, बिहेवियर का तरीका है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। वो बिल्कुल क्वांटम के साथ मेल खाता हुआ आपको दिखाई देगा जब हम थोड़ा सा और आगे अग्रसर होंगे इस विषय में। क्वांटम फिजिक्स इज द फिजिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड नॉट जस्ट मटेरियल पॉसिबिलिटीज बट आल्सो पॉसिबिलिटीज ऑफ मीनिंग, ऑफ फीलिंग एंड ऑफ इंट्यूटिंग। यू चूज एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज पॉसिबिलिटीज। सो क्वांटम फिजिक्स इज अ वे टू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ एज वन लॉन्ग सीरीज ऑफ चॉइसिस दैट आर इन देमसेल्व्स द अल्टीमेट एक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्वांटम फिजिक्स को सामान्य रूप से परिभाषित करने का, समझने का एक आसान तरीका है। और मैक्स प्लैंक ने जब क्वांटम सिद्धांत दिया था क्लासिकल फिजिक्स के बाद, तो उसका जो संस्कृत के लिए, मैं ये बता रहा हूँ संस्कृत के लोग जिनको क्वांटम शब्द से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्वांटम जो है वो क्वांटा जो है वो शब्द जो है वो अमाउंट के लिए, मात्रा के लिए, परिणाम के लिए आता है, परिमाण के लिए आता है, जिसे वैशेषिक दर्शन में जो है वो गुणों में गिना गया है। परिमाण, आप सबको ध्यान होगा कि वैशेषिक दर्शन में परिमाण जो है, मात्रा, उसको क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा प्लूरल है और क्वांटम जो है वो सिंगल यूज में आता है। तो इस चीज को आप पढ़ सकते हैं कि किसी स्रोत के द्वारा ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन लगातार नहीं होता, ये बात ध्यान रखने वाली है। मैक्स प्लैंक ने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी उसको आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी तो महत्वपूर्ण बात है, अगर ये समझने में कठिन भी लगे तो आगे चल करके ये बात थोड़ी सी आसान हो जाएगी समझने में। ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों में होता है जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन जो है वो प्रकाश का जो किरणें हैं वो छोटे छोटे जो अणुओं में विभाजित रहती है उसे फोटोन कहते हैं, परमाणु जो है। और किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समान होती है। ऊर्जा और उसकी जो आवृत्ति है, स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा और उसकी आवृत्ति, ये समान होती है। ये दो तीन बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको कर्म और क्वांटम ये आपस में ज्यादा स्पष्ट होने लगेगा। कैसे होगा उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए और ध्यान रखिए कि आपने जो सांख्य दर्शन पढ़ा है, आपने जो योग पढ़ा है, आपने जो वैशेषिक पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक दो पंक्तियां इस चीज की देखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। यू कैन मेजर एन इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट पोजीशन और यू कैन मेजर द वेव्स मोमेंटम और स्पीड बट यू कैन नॉट मेजर बोथ एट द सेम टाइम। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से क्वांटम थ्योरी को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना मिस्टिक समझा जाता है, और आइंस्टाइन और ये सभी लोग इसी बात को लेकर के इसके बारे में चर्चा करते रहे हैं कि इसकी जो डायनेमिक्स है वो यही कहीं पर है कि एक साथ की वेव की तरह बिहेवियर उसका और एक ही साथ पार्टिकल की तरह बिहेवियर जो है वो पता तो लग सकता है लेकिन आप उसको जान नहीं सकते, एक साथ मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, फिर वही दर्शन को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए,
ए क्वांटम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेट टू मैनिफेस्ट इन ऑर्डिनरी स्पेस टाइम रियलिटी अंटिल वी ऑब्जर्व इट एज पार्टिकल, यानी कि कोलैप्स ऑफ वेव्स जो हो जाता है तब उसके बारे में जो है पता आपको लगता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात करके फिर मैं आगे चलता हूं कि हमारे इस दर्शन में इसको कैसे देखा और समझा जाता है। ऑल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन वेव पैकेट्स और क्वांटम्स, ये बात तीन मुख्य बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको ये क्वांटम की सारी बात आसान हो जाएगी समझनी। और एक चौथी महत्वपूर्ण बात जो नीचे जो सबसे नीचे दी हुई है उसको भी ध्यान दीजिए। द वे वी ऑब्जर्व द क्वांटम फील्ड डिसाइड व्हाट वी सी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और वेदांत के एंगल से ये बिल्कुल वही परिप्रेक्ष्य है। द वे वी ऑब्जर्व द क्वांटम फील्ड डिसाइड व्हाट वी सी, दस योर बिलीफ सिस्टम डिटरमिन द रियलिटी यू एक्सपीरियंस, ये यही वेदांत है। लेकिन इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं तो हमें लगता है कि ये नितांत एक भिन्न बात है। भिन्न सिर्फ इस अर्थ में है कि कहने का तरीका, उसको प्रस्तुत करने का तरीका वो अलग है, उसके सिंबल्स अलग हैं। चलिए शास्त्रीय समीक्षा जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था उसको भी हम एक आध मिनट में देख लें और उसके बाद मैं मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराऊंगा। शास्त्रीय समीक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है कि संस्कृत के लोगों को अगर समझना है क्वांटम को तो उनके लिए ये क्वांटम इस अर्थ में है कि सांख्य दर्शन की दृष्टि से देखें तो मूल में प्रकृति है मैटर, लेकिन उसके साथ साथ जब वो प्रकृति विकृति में आती है यानी कि मटेरियल और साथ ही साथ वो वेव में एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है तो वहां पर क्वांटम की शुरुआत हो जाती है। हालांकि क्वांटम शब्द इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो प्रकृति विकृति का वो क्वांटम वाला ही प्रोसेस है कि वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ आपको पता लगते हैं और उससे सात चीजें उत्पन्न होती हैं। वो सात डायमेंशनल, सेवन डायमेंशनल है जिसमें अहंकार महत जिसे आप बुद्धि कहते हैं, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप रस और गंध तन्मात्र, इस फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होती जाती हैं। तो क्वांटम जो है उसके सेवन पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अब एक चीज जो क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हुए, मैकेनिक्स को देखते हुए जो मुझे लगा कि जिनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हुई, वो योग के एंगल से अगर आप देखें तो क्वांटम के तीन पर्सपेक्टिव, तीन बातें और होनी चाहिए थी। एक जिसे हम धर्म परिणाम नाम से कहते हैं जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपीयरेंस, कि जब पार्टिकल जो है एनर्जी में कन्वर्ट, वेव में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपीयरेंस जो है वो बदल जाता है। तो ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि हमारी परंपरा में क्वांटम को इस एंगल से देखा जाता है। सेकंड, लक्षण परिणाम जिसे आप कहते हैं उसको अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, कि जो पार्टिकल है वो वेव में, जब एनर्जी वेव में कन्वर्ट हुआ तो उसका कैरेक्टर भी बदल गया। तीसरा जो है वो क्या है, अवस्था परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडीशन। तो ये तीन पर्सपेक्टिव जो हैं ये भी हमें ध्यान में रखने होंगे संस्कृत के एंगल से, अपनी परंपरा की दृष्टि से, कि क्वांटम, हालांकि मैक्स प्लैंक या आइंस्टाइन या बाकी लोग जो बोहर हैं वो इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हमें ये सुविधा होगी कि अगर क्वांटम के इस पर्सपेक्टिव को भी देखिए। एक जिसकी बात मैंने अभी आपसे की, बुद्धिज्म के एंगल से भी आप इसको देखिए, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि निरंतर सतत प्रवाह है वासनाओं का और मध्य में वो व्यक्त होते हैं। अनादि वासनाएं हैं उनका प्रवाह है और अनंत, अंत जिसके बाद मध्य के समाप्ति के बाद जब उसके बाद शुरू होता है तो वो भी अनंत है। तो बीच में जो मध्य में व्यक्त होता है वो सारे का सारा जो है आपका पार्टिकल का फॉर्म आ जाता है और उसके आगे पीछे जो है वो सारी की सारी एनर्जी में चला जाता है। तो कुल मिलाकर के वो शून्यता के संदर्भ में जब आप इसको क्वांटा को देखेंगे तो आपके सामने एक नई डायमेंशन उसकी उभर कर आएगी। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो भी हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जो हैं, डीन साइंसेस गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स को समझने का एक तरीका और जैनो ने जो समझा, उन्होंने सात इसके जो हैं एंगल रखे जिसमें इसका तात्पर्य क्या है कि शायद अस्ति, कि शायद वो है,
क्योंकि वो उनको डिफाइन करने में यही दिक्कत आती है बार बार। क्वांटम फिजिक्स के बारे में यही कहा जाता है कि जो ये कहते हैं कि उनको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गए, डाउट दोस पीपल, और जो ये कहते हैं कि उनको क्वांटम फिजिक्स की नहीं पता, उन पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी के एंगल से सारे क्वांटम को देखते हैं। स्यादस्ति का मतलब है कि प्रोबेबली इट इज देयर, स्यादस्ति प्रोबेबली इट इज नॉट देयर, स्यादस्ति नास्ति प्रोबेबली इट इज देयर एंड इट इज नॉट देयर एट द सेम टाइम, स्याद अव्यक्तम इट मे बी इनडिस्क्राइबेबल, स्याद अस्ति अव्यक्तम प्रोबेबली इट इज देयर बट इनडिस्क्राइबेबल, स्याद नास्ति अव्यक्तम प्रोबेबली इट इज नॉट देयर एंड एट द सेम टाइम इनडिस्क्राइबेबल, एंड लास्टली स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, इट इज देयर प्रोबेबली इट इज देयर एंड प्रोबेबली इट इज नॉट देयर एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम इट इज इनडिस्क्राइबेबल टू। तो जैनों का ये एक पर्सपेक्टिव इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए क्वांटम को समझने में। उसके बाद आप वेदांत के ऊपर आ जाते हैं। वेदांत में दो शक्तियां हैं माया की। दो शक्तियां क्या है, एक है आवरण और एक है विक्षेप। आवरण क्या है कि उसको एक क्वांटिफाई कर देता है, उसका एक परिमाण बना देता है कोई भी वस्तु जो अव्यक्त है, और विक्षेप क्या है उसमें जो क्रिया पैदा कर देता है, उसमें जो उसमें चलनात्मकता पैदा कर देता है वो उसकी विक्षेप शक्ति है। तो एग्जैक्टली जो क्वांटम की हम परिभाषा करते हैं पार्टिकल और वेव के रूप में, वो आवरण और विक्षेप शक्तियां यहाँ पे स्पष्ट करती है। और एक अंतिम बात जो है कि कश्मीर शैविज्म के एंगल से भी अगर आप क्वांटम फिजिक्स को देखना चाहें तो वहां पर दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है शिव और शक्ति, लेकिन उसका जो आगे का पोर्शन है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विमर्श। विमर्श क्या है कि जो वेव और पार्टिकल ये दोनों जब एक साथ ही वर्क में आते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो सारी की सारी सृष्टि बनती है। ये कश्मीर शैविज्म का पर्सपेक्टिव है, और इस टोटल शास्त्रीय संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा से हम क्वांटम फिजिक्स को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और कर्म को तो आप जानते ही हैं, तीन तरह के कर्म मुख्य रूप से होते हैं, हालांकि बहुत सारे उसके पक्ष हैं, लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आदि आदि। लेकिन जो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, जिसके कारण आप दुख सुख झेलते हैं, समझते हैं। संचित जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, ये सारे शब्द आप परिचित ही हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, डॉक्टर साहब उसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे साथ साथ। और लास्ट में जो एंटीना के बारे में बात करेंगे, वो गोल्डन रेशो की, हर एक आदमी के शरीर में और सारी की सारी सृष्टि जो है वो गोल्डन रेशो पे काम करती है, और उसके बारे में भी डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और एंटीना उस गोल्डन रेशो को अचीव करने में कैसे हेल्पफुल हैं, ये सारी की सारी बात वो लगभग अगले 40 मिनट में के अपने लेक्चर में करेंगे। तो इतनी सारी बातों को आज जानने और समझने के लिए हमारे साथ जो विद्वान व्यक्ति वक्ता हमारे साथ आज उपस्थित हैं, कर्नल डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, हमको शिक्षित करने के लिए। आप उनकी क्वालिफिकेशंस अगर आप देखें तो आपको खुद को लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये उन्होंने फौज में रहते हुए उसके बाद इतनी सारी क्वालिफिकेशंस को अर्जित किया। बीई हैं, एमई हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं, एफआईई, एफआईईटी, एमआईईई, एमबीआईएम यूके से, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बीई, एमई में और एमबीए में, और बहुत सालों से वो प्रैक्टिसिंग गोल्डन रेशो स्पेशलिस्ट हैं, और बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट, बायो आर्किटेक्ट, बायो इंटीरियर डिजाइनर, जियो बायोलॉजिस्ट, बायो कॉस्मिक एनर्जी ऑडिटर, और एस्ट्रो वास्तु और फेंगशुई आदि के साथ तो जुड़े हुए ही हैं। एंड ही आल्सो कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन गोल्डन रेशो, की टू द हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस, और ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल इंजीनियर, एंटीना एनर्जेटिक इंजीनियर एंड न्यू एज स्पिरिचुअल गाइड, एंड ही आल्सो कंडक्ट्स
वर्कशॉप्स ऑन एंटीना बायोएनर्जी इंजीनियरिंग योगा ईटीसी। तो ये जो आपने देखा उनका जो उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनका जो वक्तव्य है वो हमें उनसे लगभग अगले 40 मिनट में सुनने को मिलेगा। तो उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन रहेगी, आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों की टिप्पणियां, और उसके बाद जो वोट ऑफ थैंक्स है डॉक्टर अक्षय कुमार जी जो कन्वीनर हैं इस वेबिनार के, वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैंने बहुत समय लिया लेकिन मुझे लग रहा कि क्योंकि वेबिनार इसीलिए होते हैं कि आप जितना जानते हैं उससे अधिक जानने के लिए वेबिनार्स को आयोजित करते हैं। तो इतना मामूली सा हम जानते थे उसको अधिक विस्तार देने के लिए हमने विशेष वक्ता को, मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया है, आप लोगों का सहयोग लिया है और मैं अब उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करें, हमारी दृष्टि को विकसित करें और हमें दिशा निर्देश दें कि हमें इस सारे वक्तव्य को, क्वांटम फिजिक्स को, कर्म सिद्धांत को और एंटीना एनर्जी को कैसे देखना समझना चाहिए। तो स्वागत करता हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का। सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई मस्ट थैंक प्रोफेसर आशुतोष। आई बीन एसोसिएटेड फॉर क्वाइट सम टाइम विद हिम ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल नेचर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड ही हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू share my views with elite group like all of you. I'm sure most of you have a lot of information regarding quantum physics and law of karma. And Professor Ashutosh, in fact, has elaborated quantum physics quite a bit. And in briefly, I will be in a position to explain to you how quantum physics directly gets applied to our living and in particular the karmas which we do from morning till evening 24/7 from womb to tomb, from the day we are, not even from the day we are born, even when the fetus is there, even that time also some karmas are getting activated in terms of, you know, lifestyle management of the mother. So therefore we have to understand the subject, and of course most of us have been talking ke karm to jo kiya hai wo bhuktna padta hai, and that is a common so to say statement being made. But we are trying to find out whether there is any method or technique by means of which we are in a position to get out of that those sufferings which are, you know, subjected to a human being because of his own karma, and also accelerate the positive karma so that he does better in life. That is our aim. Friends, first let us understand what is the purpose of our birth. Most of us do not know what is the purpose. Many people think, okay, we'll go to school, college, study, take up some profession, good profession, make some money, get married, have children, have family, further family, rear them properly, put them in right position in life, and marry them, become grandfather, and thereafter in old age become sick and die. Friends, that is not the aim. The main aim of our birth is that the unresolved vibrations which are called as karma, which are normally stored in the DNA, which is DNA is the hard disk of the human body, have to be neutralized. That is the purpose of our birth. But we normally forget our purpose of birth and then continue on the path which I have explained. But friends, the whole universe functions on certain set rules, regulations, principles, laws, like physics. What is a physics? Physics is the study of the rules, regulation, laws pertaining to a particular phenomena. And when we study the characteristics of the universe as applied to the environment in which people live and work at the subatomic level
are at the level of energy, and then energy in the form of subatomic structure of electrons, protons, neutrons, which Professor Saab has said also photons, gluons, these days tachyon. So many new things have come up, terminologies have come up of late. So therefore, the purpose of the universe is basically to understand the matter in the form of energy and energy in the form of matter. Normally, we try to study that and how that gets applied in the form of matter to energy and vice versa in terms of our karma. So therefore, friends, the difference between the classical physics and the quantum physics is very simple. Quantum physics normally deals with metaphysical energies. And physical energy, there is various categorization of energies in the universe. One is the gauged, quantified, whereas metaphysical energies cannot be easily quantified and measured. And at the same time, the metaphysical energies normally operate at very, very high frequency, like mind, soul, universe, God Almighty. And there are various energies which are very, very high frequency energies and which cannot be picked up by a normal instrumentation. So we have tried to find some instrument by means of which we are in a position to pick up and quantify and gauge very, very high frequency energies and assess the situation as per our requirement. So in a nutshell, when I say the quantum physics helps us the conversion of matter into energy and energy into matter, friends, one must understand the point that energy doesn't have a weight. Let's say electric wire, even if it is 11 kV or 33 kVA wire, which is being used, cables are being used in inter-town electrification, they have their specific weight. But when the energy like electricity is passed through that, the weight of the cables does not increase. It means the energy becomes weightless. Matter may have a weight, but energy doesn't have a weight. So we are trying to understand that particular aspect of energy, which is used in our living beings in the form of karmas. So now, as I said, the karma means what? Kam means action. Action means energy. With negative energy, we do a negative karma. And with positive energy, we do a positive karma. And the whole life, the behavior of a person, the physical health of a person, emotional health of a person, professional health of a person, intellectual health of a person, achievements in life, including the spiritual health, will all depend upon the karmic vibrations stored in the DNA. Friends, we are talking of energy. Now, we know money is energy. Everybody feels that money is energy. And if money is not there in the pocket of a person, can we get out of the house? No, we can't get out of the house if there is no money in the pocket. Same way, if there is no energy in the body, we can't get out of the bed. So we are keeping track of our money. We go to the bank every month, update our passbook. But have we ever updated the passbook of our DNA, which is nothing else but energies of our karma? And if so, how do we measure it and how to update that? Friends, if we don't update the passbook in the bank, one can get into serious problem, financial problems. Same way, if we do not monitor, gauge and update the energy stored in the DNA, which are in the form of karmic frequencies and wavelengths, if we do not keep track of that, we can be in serious problem. So we have tried to find a simple solution, because the universe is a very complex
number. Any big system is always complex, but the techniques to undo or solve the problems must be simple. So we are trying to find a very simple solution to difficult problems of life, and in particular, the karmic behavior of a person. So friends, now it means our DNA, which is the hard disk of our karma, and human body as it is a computer. The universe itself is also a supercomputer. We are connected to that supercomputer as a terminal. You are also connected to that terminal, as a terminal to that supercomputer. I am also connected to that supercomputer. And everything is being matter, matter getting converted into energy, and energy getting converted into matter is all as per the laws of the quantum physics. So therefore, now we have to understand how these transactions take place in our life and how we can find solution to those transactions. If we take the total sum total of energies in our DNA, which is the which I told you, the hard disk, 40 in the earlier talk also I have mentioned about this point, and this point becomes very relevant because it is primarily dealing with karmas. 40% of the unresolved vibrations of karmas are brought from the previous birth. That is the opening balance. Somebody may say, why 40%? Well, it is a statistical analysis. In some case, it could be 39%, 40%. So when we take the average, as per law of average, it comes to around 40%. These are all unresolved vibrations. Unresolved vibrations, they leave the body when the person dies. What is a death? Death is a departure of that energy which keeps the physical body alive. And all of us know that there's a life after death, because energies cannot be created, cannot be destroyed. That being the law. So it means the unresolved vibrations, which are called as karma, they also leave the human body with the soul, which is also called energy, and they are modulated onto that carrier frequency. And once there is a fertilized egg available, so it goes and matches and resonates with those energies, and a fetus is formed. And of course, these energies are demodulated, and then once they get demodulated, they start getting stored, all these unresolved karmas of the previous birth, they start getting stored in the DNA of different organs. Like, let us say, worries, anxieties, fear. Normally, they are stored in the DNA of the kidneys. Self-confidence of a person. He has self-confidence can be, or even two siblings, or even twins. They have different personality, they have different behavior, though the parents are same. The base DNA, a parental DNA is same, but the other unresolved vibrations brought from the previous birth are different in each case. The personality of each person is entirely different. So we have to undo karmic behaviors. And then how do we solution to our problem? Now, so these are the percent of the energies become the opening balance and opening balance of karmas. And now those karmas, as Professor Ashutosh has said, they are called as Sanchit karma. If we categorize these karmas, there are four types. Number one, the Sanchit karma. Basically, as I said, karma means kaam, kaam means action, action means energy. With negative energy, we do a negative act. With positive energy, we do a positive act. Now, drinking a glass of water is also a karma. But the moment we drink the water, the thirst cycle is gone. The thirst is quenched. So that is not carried forward. So it does, that is neutralized then and there. So that is a kriyaman karma in terms of
which is getting manifested at that particular point of time. If a particular karma does not get manifested or the result does not appear immediately, that gets stored in the DNA and that is called as sanchit karma. Now, sanchit karma could be at different stages. They could be in the form of seed, means they are in nascent form. They may be in the form of growing. They may be form of saturation, or like a seed is there, the sapling, it becomes a sapling, and sapling becomes a tree. Tree becomes a flower giving tree, and then later on the fruit comes. Same way, all these karma, especially the all these karma, whether we talk of sanchit karma or whether we talk of prarabdha karma, whether we talk of kriyaman karma, of course the fourth one is agami karma, which are the future karma, which are also in the process of getting matured in our DNA. So therefore they are at different stages. Let us say if a child is born blind at the time of birth itself, it means that sanchit karma has already reached its manifestation stage and maturity. So now, if we understand what are the various kinds of karmas and how those karmas can be neutralized, and as I said, the matter can be converted into energy, and energy is converting to matter as per quantum physics. I also made a statement that the classic laws of classic physics laws do not get at times applied to the quantum physics, like law of attraction, law of magnetism. In magnetism, what we say, north pole attracts south pole and opposite poles attract each other, whereas in quantum physics, as per our system, the like energy attracts like energy. A negative energy will attract a negative energy. A positive energy will attract a positive energy. If a person is always thinking positive, he will always attract more positive energies. And if he's healthy, he can become more healthy. But if he's sick, if he doesn't look after his sickness, it can further be aggravated. So here is the difference of various kinds of applications of principles and laws in terms of quantum physics, the statement which I made earlier. Now, coming back to our karma again, we were talking of sanchit karma. Sanchit karma, 40% we are bringing, which is the opening balance of energies at the time of birth. Now, they have two components. One is a negative component, the other is a positive component. Negative components, when they get matured, then the negative events take place in the life of a person. If a positive energy, jab positive energy mature hoti hai, to positive energy jo apne apne jeevan mein reward deti hai, aur jo reward hai, with 40% we are not going to get that. We are going to get that when that 40% will get matured. Now, how it will get matured? Next question comes, we have divided the energy of the human being into three parts. One is 40%, which we bring at the time of birth. Now 25% is the lifestyle management of a person. Everybody has a different lifestyle. And most of us are aware of it. Bhai, sattvic khana khao, time pe khao, achhi neend so, एक्सरसाइज करो, ये सारे रूल्स रेगुलेशन सब बताते जाते हैं एक दूसरे को, एंड एवरीबॉडी दीस डेज स्पेशली पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस, बट फ्रेंड्स डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल. वंस एंड व्हाइल वी कैन डिविएट फ्रॉम अवर नॉर्मल रिजीम ऑफ लाइफ, बट वन हैज टू मेक ए प्रॉपर रिजीम ऑफ लाइफ as far as lifestyle management is concerned, because ye lifestyle management jo hai aadmi ka wo 25% energy ko constitute karne wala hai, and which is going to superimpose on the existing karma of sanchit karma are stored in the DNA. 25%, if a person doesn't get proper sleep, the DNA information gets affected. If a person doesn't do exercise, the DNA karma is further, it is like a seed is already there, but depending upon how much mature
manure you will put, how much watering you will do to the sapling, by means of your effort, the plant will grow according to that. Same way, our Sanchit Karmas are going to get further maturity, or they will get further augmented by means of putting extra effort in terms of our lifestyle management. And lifestyle management, if it is not proper, and again, it will give two kinds of components of karmas. One is the negative karmas and positive karma. Let us say a person takes a gutka, or he will have a problem with regard to cancer. People say that he might get cancer. So it means it is indirectly affecting the karmas, Sanchit karmas, or mature, further augmenting the effect of Sanchit karma with his lifestyle management. So one has to understand that. In that we will have, again, during the lifestyle management, we will have karmas, and those karmas could be the prarabdh karma as well as the kriyaman karma. What are the prarabdh karma? Prarabdh karmas are those karmas which most of us know about it, all those karmas which have got matured. The Sanchit karmas have got matured and now they are ready for giving fruit. If a negative karma matures, negative things happen. Positive way. Now, before maturity, can we neutralize that? If so, what is the method? If we can neutralize, we can get out of the law of karma. Law of karma se jo kaam kiya wo to bhuktana hi padega. As simple as that. But if this particular law is seen, then this is applicable to animals also. Animals ko bhi law of karma mein jana padta hai. To animals ko bhi bhuktana padta hai. Human beings ko bhi bhuktana padta hai. But God Almighty has given us a extra, you know, talent to human beings only, that they can neutralize without suffering. That talent is not there with animals. That talent is not there with anybody else. It is only with the human beings. Even I am told, devta ke paas bhi nahi hoti hai. Khair, main to devta ko uske bare mein zyada nahi janta. Suna to hai, this particular characteristic or talent is only given to human beings. I being a human being, at least I know I have that characteristic. So therefore, wo jo characteristics hai, how to neutralize, if I say I do not know, it is my fault. It is not the fault of God Almighty. He has already made the system that you can neutralize before a particular karma gets manifested. Agar aadmi nahi usko use karta us talent ko, to then he says ke mujhe to bhuktana hi padega, to then he is as good as behaving like an animal. Aadmi ban ke rehna hai ya animal ban ke rehna hai, ye choice hamare paas reh jati hai. तो उसका क्या तरीका है वो आई नॉर्मली गिव एग्जांपल आल्सो कि भाई सम पीपल स्टिल डू नॉट एग्री कि भाई ये दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर विद पीपल ह्यूमन बीइंग्स आई गिव यू सिंपल एग्जांपल लेट्स से पर्सन हैज कमिटेड ए मर्डर ही विल बी यू नो एज पर लॉ ऑफ द लैंड ही कैन बी हैंग्ड और ही विल बी हैंग्ड लेट्स से इवन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज गिवन वर्डिक्ट that he should be hanged. But if he, now he can go with a mercy petition to God, the President of India, and he says, bhai, I am a changed personality and I am useful to the society. Since I am useful to the society, I should be pardoned. And the President of India will not go through the law of the land, because law of the land has been read by all the and applied by all the courts, sub courts ne laga liya uska system se, and he has been found and given convicted as a murderer. So now the point is, if the President of India gets convinced that he is a changed personality, he can pardon. Same way, when I neutralize my karma, my behavior changes, my personality changes, my approach towards life changes, my usefulness to the society changes, and that time the God Almighty might become President of India, like for me,
and he may pardon me. So therefore, one need not go through the process of suffering. We should find what are the techniques available to go through that. So friends, we have gone to the prarabdha karma. Prarabdha karmas are those karmas which have got matured after receiving additional energy from the lifestyle management of a person and also from the environment in which he lives and works. अब कोई सोचेगा कि भाई जिस घर में मैं रहता हूं क्या वो भी कर्म को ऐड करता है? हाँ, वास्तु वाले कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, वास्तु वालों का अभी अपना अप्रोच है लाइफ में कि ये इट विल अफेक्ट, बट इफ वी गो टेक्निकली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एनवायरमेंट प्लेस द रोल इन टर्म्स ऑफ ऑगुमेंटिंग द इफेक्ट ऑफ कर्मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली क्या किसी से पूछो ना भाई, कोई somebody wants to buy old house, वो नॉर्मली पूछते हैं भाई यहाँ कौन रहता था, क्या करता था, क्या उसका बिहेवियर था, कल लोन तो नहीं था, पैसा उसने वापस दे दिया था कि नहीं. अब दुनिया जाके बैंक से बैंक प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट कर लेती है, उसके बाद जाके वहां से खरीद लेती है, सस्ता मिल जाता है, ऑक्शन में मिल जाता है. बट मे टेल यू सर्टन अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज ऑफ दैट कर्मास ऑफ दैट पर्सन हु वर स्टेइंग देयर आर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर हाउस एंड द एनर्जीज आर अवेलेबल इन दैट हाउस एंड दे गेट दे फर्दर ऑगुमेंट द स्टोर्ड डीएनए एनर्जीज ऑफ कर्मास ऑफ दैट पर्सन. वो तो बात anyway, purification process is there for everything. You can't say that there is no solution to the problem. For that also there is a solution, but then just haphazardly we cannot take a decision, and we can also find out that the environment also plays a role in terms of augmenting the effect of our karmas. So we have divided the amount of energies which are available in the DNA in three parts: 40%, 25%, and 35%. So friends, we will have to look into, if we do not want our present karma to be further complicated, or if positive karma need to be accelerated, then we will have to take care of our lifestyle management. We will also have to take care of the environment in which we live and work. Of course, the environment part, we normally talk in terms of building biology, we talk in terms of bioarchitect, bio interior design, and so on and so forth. So now then we prarabdha karma again will be of two types. There is no prarabdha karma, they are getting manifested, and that manifested karmas at the moment, some may be negative, some may be positive. Positive karmas, karma will give a positive growth in terms of his profession, in terms of his health, in terms of his requirements of life, and so forth. And negative karmas obviously give a negative effect. Now what should we do? Either we live with it or find a solution, even if the prarabdha karma has got manifested right now, if we start neutralizing that, at least we can mitigate. We can't nullify it because this is already, fruit has already come up. But before the fruit appears, you can definitely mitigate as well as neutralize also. Of course, so we will understand how to do that. So this is the prarabdha karma. Prarabdha karmas are those which are now manifested. Now third karmas, as Professor Ashutosh also said, are the kriyaman karma. Kriyaman karmas are those which are how I'm doing right now. There are some new karmas also I add to the kitty. Like let us say person has been doing theft or committing thefts only, and now he has never murdered a person, but now he does that also. A new karma has got added.
come to that. So again, there will be negative karma and positive karma. Now, as I said, everything is energy based, and every energy has a frequency, wavelength, and amplitude. And when we say of quanta is relating to only the quantity of energy in proportion to a particular frequency. As every karma will have its own frequency, and it will have its the wave will have a particular shape as well as the height as well as the wavelength, that will decide the quanta, that is the quantity available or the amplitude. In technical terms, we call it amplitude. So friends, then the kriyaman karma is also there, again two types, negative as well as positive. Moment I remove all the negative karmas from my DNA, may I tell you, the person's behavior changes. He will never do a negative karma at all. Supposing किसी को चोरी करनी है तो he must have a चोरी करने की energy तो DNA में होनी चाहिए. अगर चोरी करने की energy नहीं है तो DNA में है ही नहीं, तो कोई चोरी कैसे कर. We have even found the wavelength of people who are corrupt. We use this particular antenna, as I said. On this antenna, we fix a particular wavelength, and we can find out, even from the photo of a person, we can find out whether this guy is a corrupt and how much corruption he has done. If we want to find out whether he's a cheat, honest, but that is all based on our karma. If I remove that negative energy, even if somebody wants to find out, that particular energy will not be available. This resonates on a particular wavelength. If that energy is available, it resonates. Otherwise, it doesn't resonate, it doesn't deflect, it doesn't move. Pretty simple process. So therefore, now we have talked about third karma, which is the kriyaman karma. So kriyaman karma also, moment the negative karmas are removed, are neutralized, are nullified, behavior of a person is finally going to change. In what form? Physical level, he will be healthy, physically healthy, mentally healthy, emotionally healthy. Nothing negative will happen in his life. Friends, I am right now 80 years of age. I am entering 81. And I feel I am the healthiest in the whole span of my life today. I was not as much healthy as when I was a young person. I'm not wearing specs. Not that I want to grow my hair or convert them in black. By December, you will find them 100% black. And they will be, this growth will be as good as 25 years to age person. That's not the aim to grow. The aim, when we are reprogramming the DNA, this is the process. Moment I remove the karmas or modify the karma, the information or the software which is, or the data which is stored in the DNA is reprogrammed. We are calling this a reprogramming of the DNA. So therefore, if we continue, and this is a continuous process, mind it. It's not that it becomes a life, almost a regime for us in life, that we have to do, say, half an hour or 1 hour of antenna balancing energies in our system, along with, let's say, yoga or meditation or other types of exercises which we do. We make a regime out of it. Now come to the fourth karma. Fourth karma is the agami karma. All these karmas which are manifested, yet not manifested, they in future date, they'll get manifested. And they are in the process of saturation. They are in the process of growth in terms of whether negative side or positive side, they are growing. First law of energy is as we know, living energy laws are, first law is change. What energies you had yesterday in your body or the DNA is not there today. It is changing from microsecond to microsecond.
the change of energy in our system is so small, so minimal, इतनी छोटी होती है कि पता नहीं चलता कि बदलाव आ रहा है. But the cumulative effect of that change is so high, after a period of time, then you find all of a sudden, भाई चार स्टेज का कैंसर डिक्लेयर हो गया बंदे को. क्या चार स्टेज का कैंसर एक दिन में हुआ क्या? It takes more than 20 years before it is manifested. How to know? Doctors will come to know them their own way. We don't say that doctor's system is not good. In fact, they are very useful system, and they are in emergency or otherwise, they are pretty good. So we can only supplement their activities through our system. We can't say that it has replaced their system altogether. No. So agami karmas are those karmas which have yet to be manifested in our future period, or jo they are in the process of maturing with time. And with my lifestyle management, I am nurturing them. Apne nurture karta rehta hu fir usko. Fir main jahan environment mein rehta hu wahan usko I keep on feeding the further energy into that. So friends, these are the four types of karmas which we have talked. And if we understand that all these karmas are nothing else but energies, and energies have laws, we have read in our physics that energy cannot be created, cannot be destroyed. Energy can be transformed from one shape to another shape. Energy moves from a higher potential to a lower potential. Of course, there are a few more laws, like energy has inbuilt memory system to retain information. Jo bhi hai hamare sharir mein, usme inbuilt memory system hai. It means jo bhi main karma karta hoon, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. दैट इज ए मेमोरी सिस्टम एनर्जी. एंड एनर्जी कैन बी, इट हैज टू बी क्वांटिफाइड. अगर हम एनर्जी को मापेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितनी खराब है, कितनी सही है, कितनी कितना इफेक्ट दे रही है, कितना दे होगा. एंड व्हेन इट विल इफेक्ट मी इन फ्यूचर इफ आई डोंट कीप ट्रैक ऑफ दैट एनर्जी. सो एनर्जी हैज टू बी क्वांटिफाइड. सो दीज आर द लॉज विच आर वेरी common for both living and non-living energy. And living energy laws are, the law of karma comes in living energies, as I told you. Law of consciousness, there is a consciousness only to a living body, and they are all related with each other. Consciousness and karmas are related with each other. So the law of change, your energies are changing. What you had yesterday, they are not there today. Another law of attraction. Negative energy attracts negative energy, which I mentioned earlier. Then law of ventilation. Ventilation means what should be the size of nose, eyes, ears. That is based on our golden ratio. Professor Ashutosh has mentioned about the golden ratio. Our DNA is supposed to be on golden ratio. If the DNA is not as per golden ratio, there's a problem, because the energies in the golden DNA have got disturbed, and the disturbance has taken place as a result of karma. Root cause is karma. Karma has disturbed my energy in the DNA. Energy has disturbed the golden ratio. Golden ratio, which is 1.618, the whole universe functions on that. And Professor Ashutosh said Shiva and Shakti. Shiva and Shakti was nothing else but zeros and one. One is the creator, zero is Shunya, is the Shakti. And based on, from there, zeros and one, the Fibonacci series started. Fibonacci series, it means the whole universe, God Almighty created this universe in the form of golden ratio. He created human being in the form of golden ratio. He created nature in the form of golden ratio. He created planets, the distance between planets and planetary movements in golden ratio. But what was the purpose? The main purpose was the harmony in the universe.
the man has disturbed the golden ratio of the environment as well as his because of his karma. So karma becomes the root cause for everything. Karma's based on karma only. Abhi what we see, concrete jungle. Olden days there was no concrete jungle. Environment, as I said, also plays a role. Environment is supposed to be in golden ratio, which has been disturbed by human body, mankind. So then what is the solution? Can we go and change? No. Agar sare shahar mein viral hai, how do we increase immunity is based on our karmic energies available in the DNA. So we will have to keep track of that and find a solution so that if my immunity level is high, I don't get any disease. So friends, the laws of energies are very, very clear, and laws of energies are directly related to karma. And if we want the karmic effect to be neutralized, then we will have to understand the laws of nature also. Now, how do we nullify or neutralize the karma? Now, that is our second point. That is it with regard to the negative karmas. Or positive karma ko kaise accelerate karna hai so that main jindagi mein jo benefit hai mujhe mil sake. Ye apne ko samajhna zaruri hai. As I said, ek to if we don't do anything, rone ke liye koi mehnat nahi karne ki zarurat hai. Time aage agar rolenge, hasne ka time aaye has lenge. Par agar sari jindagi hasna hai, to uske liye mehnat karni padti hai. One way of neutralizing karma is suffer. Aap suffer kar lijiye, automatically neutralize ho jayega. As I told you, our journey started from God Almighty. Hum sab uske ansh hai. We'll go back to Him after due process of purification of body, mind, and soul. Jab wo 100% purification ho jayega, chale jayenge. One is by design, the other is incidental. Ye depend karta hai, main incidentally jeevan bitana chahta hoon ya डिजाइन करके अपना जीवन बिताना चाहता हूं. अगर इंसिडेंटली करना है तो जो हो रहा है होने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है. अच्छा टाइम आएगा तो भाग्य में अच्छा लिखा है कह देंगे, खराब टाइम आएगा तो कहेंगे मेरी किस्मत खराब है. बट फ्रेंड्स, किस्मत इज नथिंग एल्स बट इवन इन योर लाइफ बियॉन्ड योर कंट्रोल, एंड इवेंट इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ karma, and vice versa. Karma is a function of energy, and energy is a function of karma and both. So therefore, aapko ye relate karna hi padega. So nullification or neutralization, one method is just don't do anything. They will get nullified one day or the other. Second method, न्यूट्रलाइजिंग थ्रू तप. आपने हमने सबने सुना है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे या साधु संत जो हैं, रियल साधु संत, मैं बाकी जो कमर्शियल साधु संत है उनकी बात नहीं कर रहा, वो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, एक टांग पे खड़े हो जाते थे, सर्दी में बेयर मिनिमम क्लोथिंग के साथ जिंदा रहते थे. वट वॉज दी पर्पस? पर्पस था तप. तप मीन्स गर्म करना, तपना, सफर करना, टू पनिश करना अपनी बॉडी को सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम दी कर्मा विच आई हैव डन, नेगेटिव कर्मास विच आई हैव डन अर्लियर. तो क्या जरूरी है आजकल भी जंगलों में जाना, तप जाके करना? कैन वी फाइंड ए सोल्यूशन वाइल लिविंग इन दिस लाइफ एंड हैविंग ए नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल फैमिली लाइफ, एंड स्टिल गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ आर नलिफ the negative karmas and accelerate the positive karma?
पानी को भी हमने प्योर करना होता है तो क्या करते हैं, गंदा पानी है तो उसको आग पे तो जलाना ही पड़ता है, उसको स्टीम बनाना ही पड़ता है, स्टीम बना के देन वी हैव टू फाइनली कन्वर्ट इनटू कंडेंसेट एंड प्योरीफाई, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन. सो फ्रेंड्स सेम वे द प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी हैज टू बी डन एंड बॉडी माइंड एंड सोल हैव टू बी डन, दैट्स द मेन एम ऑफ लाइफ. तो कैसे बॉडी बॉडी कैसे कैसे, वैसे जो योग के एक्सपर्ट हैं वो तो कहते हैं हाँ, मैं भी खैर योग तो करता ही हूँ, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट योग आसनास एक्सेट्रा एंड प्राणायाम. वेल दे हैव ए बेनिफिट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड प्योरिफिकेशन ऑफ योग. बट डू वी ऑल्सो यूज एंटना एनर्जेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल एज ए पैरेलल पाथ? इट इज लाइक जैसे केमिस्ट्री लैब में कैटलिस्ट होता है, व्हाई डू वी यूज कैटलिस्ट? एसिड इज देयर, अल्कली इज देयर, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, बट वी पुट ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सो दैट वी कैन हेसन और एक्सेलरेट द रिएक्शन. दिस पर्टिकुलर एंटेना हेल्प्स मी टू बाईपास माई फिजिकल बॉडी विच इज हैविंग लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस एंड डायरेक्टली इट गेट्स कनेक्टेड टू दिस a server which is the supreme universe and I draw the energy directly from there and send wherever I want. It works ye a particular wavelength pe kaam karta hai, jo us wavelength ki jo particular frequency ki aur energy ki wavelength hai uske upar ye kaam karta hai. So it bypasses my human body. So jo bypass ke karan jo blockages hain karmon ke karan, they are bypassed and I draw the full force of the energy from the universe. So ye tap jo hai, it is second way of doing it. But this, if you add some principle, even let us say yoga, meditation, pranayama, or if you do yoga, that is also a kind of tap. एक किस्म का तपी है ना वो भी, कि आप ईयर मार्क कर रहे हो टाइम और उसके ऊपर बॉडी. सी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी from one shape to another shape, there is always a loss of energy. आपने देखा होगा कि कभी आप प्राणायाम करते हैं बॉडी गर्म हो जाती है, योगा करते हो, इट इज बिकॉज ऑफ दी एंट्रोपी ऑफ दी लॉस ऑफ एनर्जी. वेन एवर देर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, देर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी. तो उसलिए बॉडी हीट होती है, वो भी एक किस्म का तप ही है ना. बट वी हैव फाउंड अनदर मेथड ऑफ तप. सो फ्रेंड्स, जब ये कर्म आप भुगत लेते हैं, वन प्योरीफाइज. आपने सुना होगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी एनर्जी. एवोल्यूशनरी एनर्जी इन ए ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज दैट एवोल्यूशनरी एनर्जी इन ए ह्यूमन बॉडी? कुंडलिनी, मनामली पीपल हैव बीन टॉकिंग दैट कुंडलिनी इज द एवोल्यूशनरी एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी. विद दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन फाइंड आउट वेयर इज द कुंडलिनी ऑफ दैट पर्सन अवेलेबल एट द मोमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कितने वो कर्म को सफर कर चुका है और उसको भुगत चुका है. भुगतने के बाद कुंडलिनी ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है, अराउज हो जाती है, ऊपर जाती है, क्योंकि ब्लॉक निकल जाते हैं ना. जब ब्लॉक निकल जाते हैं तो एवोल्यूशनरी एनर्जी जो है ऊपर जानी शुरू हो जाती है. जब एवोल्यूशनरी एनर्जी एक बदल जाती है, आदमी की स्टेटस उसका बदल जाता है, तो आदमी क्या क्या बदलाव आएगा उस आदमी में. His achievements will be great in life. At physical level, he will never be unhealthy. Emotionally, he will kabhi suffer hi nahi karega. He will be a balanced emotionally balanced personality. Paise ki kabhi kami nahi aayegi. Budhape mein bhi apna zindagi kisi ke upar dependent nahi rahega. It will retard your aging. I wish I had known this subject when I was young. अगर मेरे को किसी ने यंग एज में सिखा दिया होता तो वैसे ही रह जाता था. एजिंग इज नॉट ए फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स, इट इज मैन मेड फिनोमेना. सो मैन मेड फिनोमेना, हाँ दुनिया कहती है एज होती है जो जिसका जवाब नहीं किसी को मिलता ना, स्पेशली इन क्वांटम फिजिक्स. इफ देर इज नो आंसर टू एनी क्वेश्चन,
तो दुनिया कहती है ये तो किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भाग्य में लिखा है, उसको सबको ब्लेम कर देते, अपने आप को कोई नहीं ब्लेम करता। ये नहीं बोलता कि मैंने कर्म गलत किए थे जिसके कारण मैं सफर कर रहा हूं। तो कर्म अगर मैंने गलत किए तो मुझे अंडू भी तो मुझे ही करने पड़ेंगे, कोई दूसरा थोड़ी आगे करेगा मेरे साथ। हाँ, दूसरा कैन गाइड अस, दूसरा कैन हेल्प अस, एंड दिस एवोल्यूशनरी एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड इफ यू न्यूट्रलाइज आई नलीफाई द इफेक्ट ऑफ कर्मा एंड एक्सेलरेट द पॉजिटिव कर्मा, इवन द कुंडलिनी रीचेस द टॉप मोस्ट पोजिशन वेर इट इज सपोज टू गो, और इट क्रॉसिस ऑल द नॉट्स, जितनी भी होती हैं वो ऑटोमेटिकली नॉट्स को क्रॉस करती जाती है। दिस इज विद रिगार्ड टू द एवोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस फ्रेंड्स, we have been doing research on this subject for a very long time. Basically, I'm an antenna engineer. ये dipole antenna की बातचीत चलती रहती थी, and this was developed by a scientist, physicist, way back in 19th century by Lecker of Germany. Lecker antenna, they call it a Lecker antenna. वास्तु वाले तो बहुत use करते हैं, but they are using it. They don't understand that it is a very highly versatile instrument. It can do lot many functions than what they normally make use of it. They use it for limited applications, but this particular antenna can be used for any kind of capturing energy from the universe. If you have the wavelength, ये भी पता लग जाता है कि कौन सी government गिरने वाली है, कौन सी गिरेगी, क्योंकि उसकी भी वेव लेंथ है, वो भी तो एनर्जी है ना, आफ्टर ऑल एनर्जी इसने पिकअप करना, इसको एनर्जी मिलती है तो डिफ्लेक्ट होता, नहीं तो नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। सो देयरफॉर वी हैव वर्कड आउट द रिसर्च विच वी हैव डन ऑन दिस ऑल काइंड्स ऑफ कर्मास एंड एनर्जीज विच आर स्टोर्ड इन द डीएनए, वी हैव फाउंड द वेव लेंथ ऑफ ऑल ऑफ देम। ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग artificial intelligence techniques for identifying the wavelengths, and then we validate. The validation is done on by doing some application onto the human beings. So I am the person, I validate, and of course the some people help me to do the research who are specialist in artificial intelligence. So we have developed this particular subject into three modules. Module 1 pertains to karmas of our human body at physical level, mental level, emotional level, find them, identify them and neutralize them and lead a comfortable life, disease free life. ye koi matlab nahi padta hai ki jawani mein paisa kama ke aur bacha ke doctors ko budhape mein de aake de do और फिर सफर भी साथ में करो, आप भी करो और फैमिली भी करे साथ में। नो, वी हैव ए सॉल्यूशन, नॉट वी, ऑल ऑफ अस हैव अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। एंड सेकंड मॉड्यूल वी टॉक ऑफ द एनवायरमेंटल एनर्जीज, हाउ इफेक्टिंग द कर्मास एंड हाउ द एनवायरमेंटल एनर्जीज आर फर्दर सुपर इम्पोज्ड ऑन टू द कार्मिक एनर्जीज विच आर अनरिजॉल्व्ड कर्मास ब्रॉट अर्लियर and which help them to either accelerate them or decelerate them, unka ya effect neutralize karte hain ya badhate hain. And third module is of course the spiritual module, where we try to remove all kinds of karmas. See, negative to nikal diye, positive bhi do kism ke hote hain, ek hote hain conditional, ek hote hain unconditional. फिर उसकी भी अपने पास वेवलेंथ है, कंडीशनल को भी निकाल दो और अनकंडीशनल रखे रखो। व्हेन माय बॉडी, सो फॉर माय बॉडी हैज नॉट बिकम 100% 1.618, इट इज नियरिंग दैट, इट विल टेक सम मोर टाइम। द डे इट टेक्स 1.618, देन यू हैव इनफाइनाइट एनर्जी इन योर बॉडी एंड यू आर वन विद गॉड ऑलमाइटी, मोक्ष हो ही गया वहां। मोक्ष करने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज लुक आफ्टर योर ओन कर्मास,
प्रोफेसर साहब प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव टू सर इसको थोड़ा वाइंड अप ही करें क्योंकि टाइम हो चुका है. नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं. सो इन नटशेल आई हैव गिवन सम इनपुट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन सिंपलीफाइड मैनर दो प्रोफेसर आशुतोष हैज टॉक्ड इन डेप्थ. देन वी हैव टॉक्ड ऑफ द सोर्स ऑफ कर्मास टाइप्स ऑफ कर्मास how they affect the human body, how the energies come, what are the laws of energies, and how these laws affect the karmas, and what are the techniques of neutralization and nullification, and what is the effect of those karmas if we do not nullify them. So friends, with this, I will try to close my talk, and I thank you very much for giving me patience hearing, and if there is any question on the subject, I'll be too happy to answer. Thank you, sir. Thank you so much for this enlightening lecture of yours, with full of energies. कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई energy का level कहीं down हुआ है, क्योंकि लगातार बोलना और वो भी सारा का सारा meaningful बोलना बहुत एनर्जी लेता है. लेकिन आप में मैंने ये देखा कि सारे के सारे भाषण में कहीं पर भी एनर्जी का जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो नहीं देखा. बिल्कुल एक समरेखा पर एक समानता के स्तर पर वो चलता रहा. तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा आप लोगों में से जिनके भी कोई सवाल हैं, प्रश्न हैं, टिप्पणियाँ हैं, कोई जिज्ञासाएँ हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क सर. तो सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने आया है, तो प्लीज सर. सर हाँ जी हाँ. मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने कहा संचित कर्म और जो हमारे इस जीवन के कर्म है उनके बीच में क्या संबंध है, क्योंकि एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम अपने वर्तमान कर्मों से संचित कर्मों के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि क्या एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है अपने कर्मों पर? यदि नहीं है तो फिर वो कैसे अपने संचित कर्मों के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर पाएगा? कैन आई आंसर? यस प्लीज. देखिए ये नॉर्मली आदमी बिलीव करता है कि भाई एक तरफ चोरी की और जाके मंदिर में जाके 40 करोड़ का मुकुट पहुंचा दिया भगवान को, वहां गरीबों को खाना खिला दिया और सोच लिया कि कर्म कर दिया. फ्रेंड्स हर एक कर्म की अपनी एनर्जी होती है, हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली वो क्लोज करना पड़ता है. सपोजिंग आपने लोगों इस साल लिया हेलो. हाँ जी सर आपकी आवाज जी आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है. हाँ ये है कर्म जो नॉर्मल लॉ है कि हर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है बाय इटसेल्फ. बट सपोज कर लो मेरा घर 10 साल से बंद है और मैं यूएसए से आया हूँ वापस आके रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं इमीडिएटली आके रहना शुरू कर दूंगा? नहीं, खोलूंगा पहले देखूंगा भाई गंद कितना है वहां, कोई छिपकली मरी होगी, कोई चूहा मरा होगा, कॉकरोच मरे होंगे, जाला लगा होगा, कुछ और भी शायद हो सकता है, भूत प्रेत भी आ गया हो क्योंकि वो भी एनर्जी रखती है, वो भी ढूंढा जा सकता है इस एंटना से, हम इजीली ढूंढ लेते हैं. तो वो ये सारी एनर्जी है वहां पर. तो ये कहोगे भाई देन यू विल ट्राई टू फाइंड ए सीक्वेंस के पहले चूहा मरा था चूहा निकालो आज, कल कॉकरेज मरा था कॉकरेज निकालो अगले दिन. नो, लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरा साफ कर दोगे तो पूरा साफ कर दोगे तो कोई गंदगी नहीं बचेगी.
घर को पूरा सफाई मार दी, एक एक कोने में मार दिया, डस्टिंग भी कर दी, पेंटिंग भी कर दी और सजा दिया, फिर उसके बाद ही आप राइट चीज राइट पे रखेंगे। खाने का सामान किचन में रखेंगे, टॉयलेट में नहीं रखेंगे, टॉयलेट का सामान किचन में नहीं रखेंगे। तो ये जो कर्म करने हैं मुझे, अगर अंदर नेगेटिव एनर्जीज है कर्मा की, तो कैसे वो बेनिफिट देंगे? दुनिया यही करती है। मैंने देखा बहुत दोस्तों को, मैं संडे को जाके गरीबों को खाना खिला देंगे बैठ के लाइन में, या और कुछ कर देंगे, पर एट द सेम टाइम वो कर्म तो नेगेटिव। जब तक आप एक एक जो बंदा नेगेटिव सोचता है या चोर है, आप उसको ऑनेस्टी के ऊपर लेक्चर देंगे तो क्या वो ऑनेस्ट बन जाए ना? जब तक वो चोरी की एनर्जी नहीं निकलेगी अंदर से, तो पहले घर को साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो ये सुपरफिशियल है। अब मान लिया आपका गटर बंद है, उसमें बाल चले गए, कपड़ा चला गया, पत्थर चला गया, ये मतलब थोड़ी कि एक एक चीज निकालेगा, लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरा ही पूरा ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, राइट, बाद में पानी जाएगा जी। अगर जिंदगी में बेनिफिट लेना है पॉजिटिव कर्मा का, पहले नेगेटिव निकालो और आइडेंटिफाई करो जी। लेक्चर तो देने वाले बहुत होते हैं, खैर एनीवे ठीक है, मैं कथा की बात नहीं कर रहा जी जी, ठीक है। अच्छा जी रविंद्र जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स सी सर, नहीं आप इनसे पूछिए जी जी जी। रविंद्र जी कुछ कहना, अनम्यूट कीजिए अपने को। सर माय सबमिशन इज दैट सिस्टम डजंट अलाउ अस टू हैव टोटल कंप्लीट अथॉरिटी आवर ओन कर्मास, एंड इन द नेम ऑफ संचित कर्मास वी आर बीइंग डिनाइड ऑफ हैविंग पॉजिटिव कर्मास। चलिए दैट इज व्हाट मेरा ख्याल है सर, ऐसे करते हैं कि ऐसे है सर, वही तो रविंद्र जी, वही तो अपना अपना सब्जेक्ट वही है कि नॉर्मली ये जो आप बोल रहे हो अप्रोच, जैसे एनिमल सफर एंड ह्यूमन बीइंग सफर, अगर सफर ही कर रहे हैं तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में कोई फर्क रह नहीं गया है। आदमी को एक एक्स्ट्रा टैलेंट भगवान ने दिया है, इफ ही कैन यूज हिज इंटेलेक्ट बुद्धि का इस्तेमाल करके, वहां से कहां से भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड, बुद्धि का काम करना है कि कहां से मिलेगी मुझे इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कर्मास एंड एक्सेलरेट द कर्म पॉजिटिव कर्मास। ये लॉ है, यही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ बताइए, अगर पर 99% वही बिलीव करते हैं जो आप बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। दिस इज राइट, पीपल फॉलो दिस अप्रोच ओनली कि भाई जो जो चॉइस मेकिंग तो आपके पास लिख दिया, वो तो लिख दिया ना, कहाँ लिख दिया है क्या मेल, तो इन्फॉर्मेशन है आप चेंज कर दीजिए। अगर आप आपके खाते में सिर्फ 10,000 है तो कहो जी 1,00,000 का मैं चेक इशू कर दूं, तो हो सकता है क्या? नहीं, टर्मिनल से पहले पैसा डालना पड़ेगा। राइट सर, मेरा ख्याल है कि इसको फिर हम इशू लेते हैं, हम कुछ और क्लियर जी सर, नहीं अभी थोड़े से और इश्यूज रहेंगे, और क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी गुप्ता जी के साथ, फिर हम दोबारा चर्चा लेंगे, लेकिन तब तक और लोगों के भी सवाल जवाब या टिप्पणियां जो भी है, यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन गिव मी हिज माय नंबर टू हिम, यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल शेयर विद हिम, नो इशू। डॉक्टर संजय शर्मा जो डीन है डिपार्टमेंट गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, सो ही विल लाइक टू मेक सम कमेंट्स सर। हां जी, सुभाष चंद्र जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हम लोगों को माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की यात्रा कराई है, क्योंकि कर्म और बेसिकली फिजिक्स वाले कर्म जो है, जो फिजिक्स के साथ जुड़े हुए जिनको क्वांटम जोड़ दिया है, वो यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं जाए नहीं हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर जगह कर्म हो रहा है, परसेप्शन के सोर्स जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको।
बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने समझाया है कुछ चीजें, प्रश्न ये कॉम्प्लिकेटेड है सारा है सारा इसमें, चूंकि हर आदमी को एंटीना से पकड़ना भी नहीं आता नहीं है वो नलीफाई कर, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि प्रश्न कई बार कई तरह के आते हैं कि डीएनए नेचुरली वो भी एटम्स का बना हुआ है, फिर आगे क्वांटम और क्लासिकल में एक बाउंड्री है परसेप्शन की लिमिट के हिसाब से, बेसिकली तो कंटिन्यूस ही है सारा का सारा, तो उस हिसाब से भी हम लोगों की लिमिट हमारे जो सेंस ऑफ परसेप्शन से वो नेचुरली उन्हीं के हिसाब से सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग हमें होती है, हम माइक्रो लेवल पर नहीं समझ पाते, नैनो लेवल पर नहीं जा पाते। तो निश्चित रूप से जो कर्मा और ये सारी थ्योरी है, या तो हम लोग अपना जो पद्धति जो भी सिस्टम सुभाष जी ने बताया रिगार्डिंग योगा और उस तरह का, और वहां से चूंकि हम लोगों की थॉट प्रोसेस उसी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर अवस्था में है, तो वहां से शायद चीजें प्रसीव हो सकती है, उसी तरीके से एंटीना भी काम करता होगा उसी लेवल पर जो है, जहां से निश्चित रूप से इसमें मैथमेटिकल आउटपुट जो कि देखिए सोशियो फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल चीजें बहुत सारी हमारे पास है, चूंकि लिटरेचर हमारा सारा इमोशन से जुड़ा हुआ, हम लोग चूंकि बर्थ हमारा हिंदुस्तान में, तो हम उस चीज को उसी तरीके से समझते हैं, जो मैथमेटिकल आउटपुट से किसी भी जैसे कि मान ली चोर की फ्रीक्वेंसी होती है लेट सपोज, तो क्या हम लोगों ने कोई स्पेक्ट्रम जो है कि भाई इसी तरह के बिहेवियर की ये एनर्जीज है, ये इसी तरह की फ्रीक्वेंसीज है, उसका जब परसेप्शन सामने होता है तो तब उसका निराकरण भी आसान होता है, तो वो स्पेक्ट्रम हमें पता होगा अंडरस्टैंडिंग होगी तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे इस दिशा में। बाकी तो बहुत सारे इस दिशा में, क्योंकि हर चीज का जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है कौन सा, उसी से एनर्जी आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जुड़ी हुई है, इजिकल टू एच नहीं है किसी भी तरीके से मान लीजिए, किसी फॉर्मेट में मान लीजिए उसको, तो निश्चित रूप से अब एनर्जी मेजरमेंट्स हमारी कितनी, ये एक अंदाजा हो मोटा सा परसेप्शन हो लोगों को कि भाई इतनी एनर्जी हमारी है या ये रेंज है हमारी एनर्जी की, तो उस निश्चित रूप से जब हमें ये पता होगा तो निश्चित रूप से वो उसको परसीव करके कन्वर्ट कर सकता है चीजों में, समझ सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, किसी चीज को चेंज करना चाहता है समाज में, कहीं भी कुछ भी करना चाहता है, तो निश्चित रूप से एक मैथमेटिकल इस तरह के कॉन्सेप्ट माइंड में होंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इमोशनल तो ठीक है, अब हम कहते हैं कि चांद इतना बड़ा, लेकिन चांद इतना बड़ा अब वो इससे नहीं साइंस आएगी, इसमें साइंस नहीं आएगी कहीं भी, चांद तो जितना बड़ा है अगर वो बताएंगे कि इतने मीटर लंबा, इतना फेरी फेरी है, इतना डायमीटर है, तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा है। इस तरीके से एटम्स को जब हम मान के चलते हैं, हम अपने शरीर को देख के चले, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर है और एटम का साइज 10^-15 मीटर है, यानी 10^-7 का अंतर है इसमें, यानी कहे कि अगर वो 1 मिलीमीटर है तो ये 1000 किलोमीटर हो सकता है, और सारा सारा वेट हमारा न्यूक्लियस पे होता है, तो बॉडी के अंदर हम देखें तो हम कितने खाली हैं, यानी एक सुई के करोड़वे हिस्से पे कहीं हमारा वजन रखा हुआ है और हमारा सारा स्पेस खाली है, लेकिन फिर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मिलकर हम लोग परसेप्शन की लिमिट में आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें देख पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको ठीक ठीक तरीके से अगर हम गहराई से समझ पाएंगे तो शायद ये विषय और गहराई से हमारे अंदर उतर पाएगा, मेरा ये कमेंट और ये बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद सर। हाँ प्लीज सर, मेरा ख्याल है सारे सवाल एक साथ ले लेते हैं क्योंकि फिर समय का थोड़ा सा रहेगा। इन्होंने परसेप्शन के बारे में बात की ना सर, उसको हम अभी ले लेते हैं, आपके कमेंट्स जो है ना, दो तीन जो भी टिप्पणियां हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। डॉक्टर आनंद गुरही जी, एनीवन एल्स जी, ठीक है, और किसी का कोई सवाल, कोई टिप्पणी अगर कोई है तो। ये बात तो सर ठीक है, मुझे लगता है और किसी का कोई अभी प्रश्न नहीं है, टिप्पणी नहीं है। एक चीज मैं भी थोड़ा सा जानना जरूर चाहूंगा और डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत भी हूं कि अगर हम थोड़ा सा इसमें ये बता पाएं कि हर एक आदमी के शरीर की एनर्जी का लेवल कितना है, उसको अगर क्वांटिफाई कर पाए तो मुझे लगता है कि बात को ज्यादा हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि एक एग्जांपल के ऊपर जो आपके साथ बात करते हुए हम लोगों ने, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था कि चलिए आम भाषा में तो, और जिस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं उसमें चीजें जो हैं वो साइंटिफिकली हम कम समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेट जरूर करते हैं, करते बेशक वही हैं
जो तथ्यात्मक फैक्चुअल बातें होती हैं। एक संदर्भ आपने और मैंने जब बातचीत कर रहे थे तो था कि कृष्ण ने जब वो पर्वत उठाने की बात की थी तो उसको आपने क्वांटम एनर्जी से, क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया था कि क्वांटम के बगैर जो है वो पर्वत उठाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो उस पर भी मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा बहुत संक्षेप में। तो मुझे लगता है कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं इसके ऊपर अपने दीजिए, तो हम उसके बाद फिर जो है डॉक्टर अक्षय जी जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हाँ जी, पहला तो सवाल जो था परसेप्शन का, ये परसेप्शन जो होती है, एक डेड बॉडी की तो परसेप्शन होती नहीं है, एनर्जी तो उसमें भी होती है। द डेड बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो माइंड कहां से पैदा होता है? सी, वन हैज टू अंडरस्टैंड, गो थ्रू द माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। माइंड उस वक्त पैदा होता है, क्रिएट होता है, जब द सोल एनर्जी विच कीप्स द पर्सन अलाइव मैचेस विद द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी, और उसके बाद ही परसेप्शन। जो एनर्जी जब तक मूव ना हो तो एनर्जी का कोई मतलब नहीं। अगर सपोजिंग आपको मैं बोल दूं कि मैं 10 लाख करोड़ दे देता हूं, आप जाके चांद पे रह लीजिए, तो जाओगे कहे नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मुझे 10 लाख करोड़ नहीं चाहिए, मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा, शहर में, अपने में, इवन इफ आई डोंट हैव मनी। जी, बिकॉज इफ यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट एनर्जी, इट हैज गॉट टू एनर्जी, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं, या ट्रांजेक्शन तब होती है जब एनर्जी मूव फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल, ओनली देन द परसेप्शन इज स्टार्टेड। तो परसेप्शन वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ द एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, द रेट एट विच इट फ्लोस, ऑल दीज पैरामीटर्स विल डिसाइड द परसेप्शन ऑफ ए पर्सन। परसेप्शन विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। So therefore, we cannot ignore the premise of the energy itself and the karmas. जी जी. So this is the point of perception. Now coming to the conversion of matter into energy and vice versa. जी. We have also got a wavelength. आपने देखा होगा कि दुनिया levitate करती है. जी. Have you heard of levitation? नहीं सर. Levitation is the process of when people do meditation, they even float 1-2 feet above the ground level. जी, कभी देखा? कभी सुना? देखा तो है सर, कि actually कई योगियों का भी मैंने ये देखा है कि वो क्या चीज है? वो मेडिटेटिव स्टेट में जाके दे आर इन ए पोजिशन टू कन्वर्ट द मैटर इंटू एनर्जी। जी जी, वो तब कन्वर्ट हो सकती है, प्योरिफिकेशन। हमारे पास भी एक वेव लेंथ है, आई एम ट्राइंग टू डू सम रिसर्च ऑन दैट, कि भाई उस वेव लेंथ पे अगर इफ आई ड्रॉ द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, एक कुर्सी को मैं 1 फुट उठा लूंगा, मैंने नहीं उठाना जी, वो अपने आप ही उठ जाएगी क्या? जी जी, वी हैव फाउंड अ वेव लेंथ। सी, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। जी, भगवान कृष्ण ने भी क्या किया था फिर? He converted the whole Govardhan Parvat into energy and एक index finger पे उठा लिया। जी जी, क्योंकि energy doesn't have a weight। हम्म, वो तो मैंने पहले भी बोला कि energy का weight नहीं होता है। जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंक्रीज दी वेट, और अदर एंड पे जाके 11 kVA कितनी, it can move the boulders, किसी चीज को भी उठा लेती है जी दूसरे एंड पे जाके। बट व्हेन इट इज ट्रस्टिंग इन बिटवीन इन द पल्स, उसमें वेट नहीं इंक्रीज होता है। राइट सर, मींस वो जो एनर्जी है उसका वेट, इट इज वेटलेस। ओके, राइट सर। ये अभी ये रिसर्च हमने तो शुरू की है कि भाई एक टेबल को करके देखेंगे या एक स्पून को करके देखेंगे। स्पून को दुनिया बेंड कर देती है। जी जी जी, थ्रू माइंड पावर। सुना होगा आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। कैसे बैंड किया उसने? अगर उसका वेट होता तो कैसे बैंड करता था? तो इसलिए दिस इज द लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स।
ये नॉर्मल फिजिक्स का लॉ नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स का ये लॉ ही नहीं है जी। मैटर जो मैटर होगा वो उसका वेट होगा ही होगा जी, और मैटर होगा वो इधर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा फॉर स्टेक ऑफ राइट। सर वी हैव वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर फिजिकल लाइट। हां जी वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर रवि शंकर जी। सर कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर आशुतोष जी। आशुतोष जी दिस इज रवि शंकर। I am a Guruji student, Dr. Subhashji student for the last 2 years. Okay. I am an aviation, what you call, consultant. And I have been dealing with the Lecker antenna for the last 10 years. And I am very fortunate to have associated with Dr. Subhashji. So many of you may be seeing, but I have practiced this antenna energization engineering. And I could cure cancer. I could pinpointly tell how many days it will take the cancer to be cured. I cured remotely 2 patients from here, from Bangalore. A lady having a breast cancer being treated within 31 days. The physical form of the cancer was gone in 31 days. And also there were many diseases like migraine cleared in 1 day, sinus cleared in 3 days. And I'm treating an autism boy. There is a learning curve improvement of 20% in 2 weeks. And many other things, like really it does wonder. I can measure the energies of homes. I'm a geobiologist. I do energy corrections of the homes and everything. So much so, jaise jo doctor sahab bata rahe the Subhash ji, even we can tell the profit of a company, what it is making, whether this building or the business that one does, it is compatible to someone or not. All those things are possible with this. Practically, I have used this instrument. I have taken 10 of them, distributed among my family. Suppose my son is not well, I'll tell them, you set this frequency and sit together. Just stay like that, sit. He gets cured like. Right. So it really does wonders. I have rather, I'm still using it. I've been treating people and I'm correcting the homes and everything. This is a wonderful instrument. And thanks to Subhash ji. Thank you, Ravi Shankar ji. Thank you, sir. Thank you so much. Kisi aur ka koi sawal ya kuch ho to phir hum, madam, Dr. Gurinder ji, ji, agar aap meri awaaz sun rahe ho, to will you like to make some comment? सर मैं बहुत से टीच कर रही हूँ और जी जी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, लेकिन सच में ये टेक्नोलॉजी मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। अब इस चीज़ से बुलाया है, मिलवाया है, बड़े ऑनर के साथ भी आप गुरु हुए हैं। तो मैंने, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा सा चल रहा था, क्लासेस चल रही थी, अभी भी चल रही हैं के साथ, और फिर भी मैं स्टूडेंट्स को भी वो आपके साथ रूबरू करवा रही हूँ, लेकिन आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा एक जो मेन कंसर्न है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर हम टीचर्स को भी कन्वे कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी सेल्फ सोच भी बदलती है और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, किसी ना किसी फैमिली मेंबर में। तो सर मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे फैला सके, मुझे ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी हेजिटेशंस होती हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कि ठीक है ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर रविशंकर जी ने बताया कि बहुत सारे क्योर हुए हैं, और इसी तरह मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल अगर ऐसे इकट्ठे हो डॉक्टर सुभाष चंद्र के साथ और एक बड़ी ऑडियंस को कन्वे किया जाए इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मुझे लगा सोसाइटी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको सुनना हमेशा एक बहुत प्रिविलेज वाली बात है। थैंक यू सर।
थैंक यू मैम। और बल्कि आपकी बात से मुझे एक और आइडिया ध्यान में आया है कि क्या इन एंटीनास को हम प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एनर्जी मेजरमेंट, उनका करेक्शंस या उसमें कुछ इस तरह का, अगर हम प्रैक्टिकल के तौर पे भी उसको लगाएं तो क्या ये सर पॉसिबल है? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने तो मैडम पे जिम्मेदारी एक डाल दी है, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हां जी, अभी अभी देखिए ये मंकी पॉक्स आया है जी, वी हैव फाउंड द वेवलेंथ फॉर मंकी पॉक्स। ओके, तो मंकी पॉक्स तो काउस में है, पर आप अपने पीने से पहले के दूध में तो नहीं आ गया? जी 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 राइट। अच्छा बी में एक और डॉक्टर है, डॉक्टर सूरी, वो मेरे अभी सीख के गए हैं एंड ही इज प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल, ही लिव्स इन नोएडा। जी जी, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू हिज मोबाइल। ओके ठीक है, डॉक्टर है, बड़ा एक्टिव, लाइक रविशंकर, ही इज टेकिंग फर्स्ट आल्सो प्रैक्टिसिंग, ही इज इन एंड आउट प्रैक्टिसिंग दिस। जी जी, और कुछ क्वेश्चन है? नहीं, अदर क्वेश्चन? जी जी, नहीं सर, ये बड़ी अच्छी बात है। मैडम की क्लास सारी की सारी आपकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल सावधान है, तो अच्छा लगा आप सबको। जी, लास्ट टाइम जमुना नगर इन्हीं मैडम की क्लास कॉलेज में किया था। जी जी सर, तब हमारी सारी फैकल्टी थी, आज ये मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है सेकेंड ईयर का, तो मुझे लगा कि कुछ पोर्शन, क्योंकि सारा पोर्शन तो ये भी नहीं सुन पाए, लेकिन मुझे लगा कि आपके कुछ शब्द भी उनके कानों में पड़े, तो सच में बहुत बड़ी बात है। किसी बच्चे को समझ आया है उनसे पूछिए, जरा सवाल एक तो पूछिए उनसे, कुछ समझ आया उनको? दे आर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, बॉटनी सर, बॉटनी, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी इज ऑल्सो ए साइंस of living systems। बच्चों से पूछिए जरा। जी जी, नहीं तो इनको सेपरेट क्लास लेनी पड़ेगी इनकी। जरूर, मैं चाहूंगा कि भाई आप इन बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करें, और बहुत जल्दी ही आपसे समय लेकर के मैडम आपसे बात कर लेंगी, तो इन स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, और बल्कि बायोलॉजी के एंगल से ही, जिसकी मैंने शुरू में भी बात की थी, क्वांटम बायोलॉजी शब्द जो है वो मैंने पढ़ा तो किसी और संदर्भ में था, लेकिन वो मैडम को देख करके ध्यान आ गया कि उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए, तो आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू यू टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन क्वांटम बायोलॉजी फॉर दी स्टूडेंट्स। साहब, वेयर एवर क्वांटम बायोलॉजी मैकेनिक्स कम्स, व्हेनेवर द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। जी, तो वेव्स जो क्वांटा में होते हैं, क्वांटा से ट्रांसमिट होती है, इसलिए इसको क्वांटम फिजिक्स में दिया जाता है। इंसिडेंटली व्हाई डोंट यू टेल देम दैट आई एम एक्स एल्यूमिनी ऑफ योर कॉलेज। ठीक है सर, ठीक है, तो वी विल हैव अ फॉर्मल लेक्चर वेरी सून, सो इन द मीन टाइम नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी टू डिलीवर द टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, कर्नल साहब, आपने तो प्रकृति में ये जो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म जो हमको दे रहे हैं डॉक्टर आशुतोष जी, ऐसे प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक हमारे कॉलोनी में एक साइंस का विद्यार्थी रहता है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो मेरे को हमेशा कहता था, मैं जब संस्कृत में भगवद गीता की कुछ श्लोक सुनाता था, मैं उसको ये कहता था, वो जो श्लोक है कर्माणि ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति, जो कर्म की गति बहुत गहन है, वो मेरे को कहता था कि ये क्वांटम फिजिक्स जो है ना कहीं वो कर्म सिद्धांत के ऊपर उसका लिंक है, तो मैं चाहता था कि इसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले जो हम, मैं इसको सुन सकूं। तो आज सर रियली आपने बहुत एनलाइटन किया, और उधर तो जमुना नगर में विद्यार्थी भी बैठे हुए थे, और खास करके वो साइंस के ही विद्यार्थी थे, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा, मतलब सभी को जरूर एनलाइटन हुए होंगे।
और इसमें मुझे जब आप ये पढ़ रहे थे बता रहे थे आपने कैसे बताया कि एक जीवन का उद्देश्य सबसे शुरू किया जीवन का उद्देश्य क्या है ना, जीवन का उद्देश्य ये केवल ये नहीं है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे छूटे, हम प्रकृति जो कर्म के सूक्ष्म सिद्धांत को उसको समझें और वो जो कर्म अकर्म विकर्म आपने जो तीनों सिद्धांत को फिर आगे बताया कि संचित क्रियमाण प्रारब्ध पूरे विस्तृत रूप से विस्तार रूप से आपने बताया उसको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ साथ मेरे को फिर एक ब्रह्म संहिता का उस समय जैसे आपने कहा कि हमारे जो नेगेटिव कर्म है उस नेगेटिव कर्म को भी उसका परिणाम को भी हम खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक स्तुति करते हैं, उस श्लोक में बोलते हैं कि जस्तिन्द्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्मा बंधान रूप फलभाज नमात्रोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। वहां कह रहे हैं कर्माणि निर्दहति, वो कर्म को भी बीज को भुने हुए बीज तरह भून सकता है, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं। फिर आपने एक बहुत बड़ा आगे और सटल फॉर्म को ले गए कर्म के सिद्धांत को, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी फिर कैसे दो भाग में कहा कि वो एक कंडीशन है अनकंडीशनल है। जब हम अनकंडीशनल में जाते हैं, ये सारा संस्कृत का जितने भी फिलोसफी है सारे ये अनकंडीशनल जो है ना एनर्जी की बात करते हैं और ये है सब केवल, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म में हम चर्चा करें और ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष जी, ये सबसे धन्यवाद के पात्र तो यही है जो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर रविंदर गुप्ता जी ने, उन्होंने कर्म सिद्धांत के ऊपर कुछ प्रश्न किया, आपने भी बहुत अच्छे तरह उसको सुलझाया। फिर डॉक्टर संजय शर्मा जी, ये हमेशा रहते हैं डीन साहब हमारे साथ सहयोग करते हैं और हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने भी अपना व्यूज स्थापित किया, अपने मतामत स्थापित किए, उनका भी हम अपने इस जो है ना अपने सारे सहभागियों की तरफ से और अपने ये जो आयोजकों की तरफ से उनका भी धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर आशुतोष जी लास्ट में वहाँ एक बात कही उन्होंने कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी को कैसे क्वांटिफाई करके जो गोवर्धन के सिस्टम, गोवर्धन कैसे भगवान कृष्ण ने जो धारण किया था वहां कैसे जो है ना क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है, तो उसको भी आपने सर अच्छी तरह क्लेरिफाई किया। फिर जो है ना डॉक्टर रविशंकर जी, उनके आपके जो विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया उसके बारे में उन्होंने सूचना दी, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है। और आखिरी में जो मैडम गुरिंदर कौर यमुनानगर से उन्होंने विद्यार्थियों के साथ रही, उनका भी हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजर में से एक है ठीक है कि नहीं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ है, सभी हम धन्यवाद के पात्र हैं और जो सहभागी है वो सब भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम इसी प्रकार से आयोजन करते रहें और डॉक्टर साहब तो बार बार कहते हैं कि हम ऐसे आगे आकर के ऐसे आयोजन को चलाए रखें, लेकिन हम लोग कई बार जो है ना बैकफुट पे हो जाते हैं, ये हमारी कमी है ठीक है कि नहीं डॉक्टर साहब, तो हमें पीछे से खींचते हैं, नहीं चलो चलो ये हमें करना है। तो इसी प्रकार से जो एनर्जी है इनमें तो वो सूक्ष्म रूप से एनर्जी जो है ना हमें देखने को मिलता है वो उनके जो सटल फॉर्म में, तो सभी का बहुत धन्यवाद, खास करके सुभाष जी डॉक्टर करनाल साहब उनका बहुत धन्यवाद और विद्यार्थियों का धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर अक्षय जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत विस्तार पूर्वक आपने सबका धन्यवाद किया है और इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं वहां पर सारे ज्ञान को एसिमिलेट करने का और उसके बारे में जो हमारी परसेप्शन है उसको वाइडन करने का, उसको ज्यादा से ज्यादा गहरे बनाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें आज एक कदम हम और आगे अग्रसर हो पाए हैं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। विभिन्न विषयों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और विशेष रूप से मैं किसी और का धन्यवाद करने से पूर्व डॉक्टर गुरिंदर जी का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कम से कम अपने विद्यार्थियों को ऐसा एक्सपोजर दे रहे हैं जो कि आगे NEP में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें उसके साथ ये बिल्कुल तालमेल बैठता है। जब तक हम स्टूडेंट्स को इस बात का एक्सपोजर नहीं देंगे कि आपकी अपनी जो यहाँ का ज्ञान परंपरा है और जो वेस्ट से उठ करके आ रही है हमारे पास ज्ञान परंपरा, उन दोनों को आपने साथ लेकर चलना है, ये दो पंख हैं आपके, भारतीय ज्ञान परंपरा और जो वेस्ट की ज्ञान परंपरा है, ये दो पंख हैं हर विद्यार्थी के और उसको हमें सिखाना है कि उड़ना कैसे है इन दोनों के साथ,
एक के ऊपर अधिकार करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको दोनों ही आने चाहिए। तो इसलिए विशेष रूप से मैं मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर देने का प्रयास किया है, दिया भी है, और आगे भी वो इसी तरह से करते रहेंगे, और बाकी टीचर्स भी अपने विद्यार्थियों को इस तरह के विषयों के साथ जोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हम जो अभीष्ट परिवर्तन चाहते हैं समाज में, वो अभीष्ट परिवर्तन उसमें आ पाएगा। और उसके साथ ही सुभाष चंद्र जी का, डॉक्टर साहब का मैं जितना धन्यवाद करूं वो कम है, जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है, क्योंकि इस तरह के विषयों के ऊपर बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। अब मेरे मन में जो है वो ज़रूर आगे की बातें कुछ आ गई हैं कि रिलेटिविटी की थ्योरी, क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स और भारतीय दर्शन, इनको मिलाकर के भी हम कभी बात कर पाएं, और फिर उसको देखते हैं कि आगे वो कौन सी दिशाएं हमारे साथ खुलती हैं। मुझे मालूम नहीं है कि जो मैंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दी है वो कितनी सही थी, क्योंकि जितना मुझे पढ़ना चाहिए था उतना मैं नहीं पढ़ पाया, और बहुत सारा टेक्निकल विषय होने के कारण उसको पूरी तरह से प्रस्तुतिकरण जो है वो सही नहीं हो पाई है, क्योंकि दो तीन जगह तो मुझे भी पता लग गया था कि कहाँ मैं क्वांटम को एक्सप्लेन करने में गलती कर गया हूँ वो पता तो मुझे भी लग गया था, लेकिन ये है कि हाँ, ये बात जरूर समझ में आई कि कर्म और क्वांटम में एक अंतर संबंध बन सकता है, कि मनुष्य जो है वो विभाजन करके नहीं जीता, वो एक टोटेलिटी में जीना चाहता है, और वो मनुष्य जो है वो क्वांटम ही है, कि एक तरफ वो एक यूनिट है और दूसरी तरफ वो अग्रसर होने वाला एक ज्ञानपूर्ण व्यक्ति भी है। तो इस तरह से आज का ये जो विषय है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। मैडम आप अपने स्टूडेंट से भी फॉर्म भरवा दीजिएगा। जी हाँ जी सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सर से जब पिछली बार सर आए थे हमारे कॉलेज में, ऑनलाइन हम मिले थे इनसे, तो मुझे ये पता चला था कि सर के डॉटर ने PhD वेलनेस इन सोसाइटी पे की है। जी जी। तो सर मुझे लगता है कि इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना टेक्नोलॉजी एंड वेलनेस इन सोसाइटी, तो क्यों ना हम अगली बार जब भी करें, तो क्योंकि वो जो पोर्शन है वो उसके लिए मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और क्योंकि सर की जो बातें होती हैं वो तो स्टूडेंट्स तक पहुँचती हैं, लेकिन उसमें पूरे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम मैम को भी बुला सकें, और ताकि एक वो जो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन है वो उसमें उभर कर आएगा। जी जी, मेरी रिक्वेस्ट है से भी कि अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो हम उनसे भी जरूर मिलना चाहेंगे। जी जी, मैडम जुड़ी भी हुई थी हमारे साथ, शायद अभी भी हो हमारे साथ, ये सामने खड़ी है। हाँ जी हाँ जी 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 जी, नमस्ते। नमस्कार मैम। गोविंदा जी थैंक यू सो मच, आपने याद किया, बिल्कुल इट विल बी अ वंडरफुल प्लेजर अगर मैं आप सबके साथ इन्वॉल्व हूँ। वैसे मैं कॉलेजेस में जाती हूँ और स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए बात करना मेरा भी सौभाग्य रहेगा। ये मंथ थोड़ी बिजी हूँ, बट डेफिनेटली बाय सितंबर एंड अक्टूबर वी कैन प्लान सच अ थिंग। हम ब्लैंकेट मोड में कर लेंगे, आप हमारे कॉलेज में आएंगे और सर अगर वहाँ से भी ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे तो हमारा पूरा एक सेमिनार हॉल है जिसमें पूरा स्मार्ट सॉल्यूशन है। ओके। तो उसमें पूरा कैमरा ट्रैक जो करता है ऑडियंस को और स्पीकर को, वो सब फैसिलिटीज हैं, तो वी रियली लव टू हियर यू इन द कॉलेज, फिजिकली हम आपको सुनना चाहेंगे सर। डेफिनेटली वी बोथ विल पार्टिसिपेट एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, थैंक यू सो मच, नमस्ते। चलिए थैंक यू मैम, ठीक है, धन्यवाद है आप सबका, बहुत बहुत आभार, और इसी तरह से जुड़ते रहें, जल्दी ही हम एक दो विषय और लेंगे जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे प्लीज़ वो फॉर्म भर दीजिएगा, और स्टूडेंट से भी मेरे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म ज़रूर भरिए, आप लोगों ने सुना है, धैर्यपूर्वक सुना है और पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच। सो एवरी वन थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म सर्टिफिकेट।
थैंक यू सो मच मैडम राजेंद्रा, धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने को, अनम्यूट करें मैम। एनर्जी आपकी, साउंड एनर्जी मेरे तक नहीं पहुंचे। हाँ सर, बच्चों नमस्कार सर, मैंने बच्चों को सबको क्लास में जगाया हुआ था ये स्पीकर। ओके अच्छा। सर मेरी एक ये था बीच में, वैसे मैं बोलना चाहती थी लेकिन क्योंकि बच्चे बैठे थे अब चले गए हैं, कि अगर इसमें से कुछ पोर्शन सिलेबस स्टूडेंट सिलेबस में रख दें, रखवा दें, मतलब रख तो नहीं सकते सर हम। मैडम अगले अगले हफ्ते में ये एनईपी को ध्यान में रखते हुए जो कुरुक्षेत्र ने लगाया है, अप्लाई किया है, तो उसमें सिलेबस को रीडिफाइन करेंगे सर। ये इन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए, मैंने देखा है वो बीएससी में थोड़ा सा माइनर को चैलेंज करेंगे, उसको चैलेंज करने के लिए वो करूंगा। मंडे सर मैंने देखा वो, अभी सर मैं अभी वही रिवाइज कर रही थी ये सेमिनार, आपके सेमिनार के दौरान ही मैंने देखा वो बीएससी में थोड़ा सा उन्होंने माइनर चेंज किया है। नहीं नहीं उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एक करेंगे उस पे। ठीक है नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सर फिर आपसे बात करता हूँ। थैंक यू मैडम अंशु हांडा जी, डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी बनारस से, डॉक्टर बी डी थापर जी, थैंक यू सर। भावना प्रेमचंद जी, तान्या मैडम, तान्या और अरुणा चोपड़ा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैडम परमजीत जी, मैडम अंशु आप कहाँ से हैं? जी मैं सिंगापुर से हूँ, गुजरात के राजिका कचेरिया जी के साथ स्त्री चेतना की कार्यकर्ता हूँ। ओके यू आर वर्किंग विद हर, दैट्स वन ऑफ मेरे रेफरेंस हैं। थैंक यू। एंड आई एम माइसेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ वेदांत फिलोसफी फॉर मोर देन अ डिकेड, सो आई कुड वेरी मच रिलेट। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजिका एंड आशुतोष सर, एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो यू कैन लीव द मीटिंग नाउ एवरीवन।